न भ्राण्ण पान्न न वेदा न सत्य न असत्या न मुचि न कुल न ख न पुंसक नक्षत्र नक्र नाकेश प्रकृत्या न भ्राण्ण पान्न न वेदा न सत्य न असत्या न मुचि न कुल न ख न पुंसक नक्षत्र नक्र नाकेश प्रकृत्या न भ्राण्ण पान्न न वेदा न सत्या न कुल न ख न पुंसक नक्षत्र नक्र नाकेशु प्रकृत्या। नाकेशु तक सप्तमी का बहुवचन है, प्रकृत्या तृतीया का एक वचन है। कदे जितने भी शब्द हैं इसमें निपातन से सिद्ध होगा और नकार का लोपाधिकार्य नहीं होगा। है नए समास, लेकिन नए समास के होने पर नकार का लोप होना चाहिए, वो प्रकृतिबा हो जाएगा, मतलब लोपाधिकार्य नहीं होगा। अर्थ भी सब निपातन, कोई संज्ञा पर चला जाता है, अलग अलग अर्थ रह जाता है। इस पर वृत्तिकार टीकाकार न तो बारह कहते सुगमम, स्पष्ट अर्थ है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कह देते। मूल में ही काफी कह दिया इसलिए वो कह रहे हो, मूल में देखे कहते हैं नभ्राट, नभ्रान हो गया ना, वो नभ्राट है, वो ट था, भ्राजरी दीप्तौ धातु है, न भ्राजते ति न भ्राज, भ्राजते या ब्राजेती थी भ्राज, पहले बना लो, न भ्राजती अभ्राज बनना चाहिए समास होने पर। भ्राट भ्राट भ्राजो भ्राजा भ्राजम भ्राजो भ्राजा भ्राजा भ्राडव्याम भ्राडवी रूप चलेगा उसका सुबंध में, न भ्राट न भ्राड ऐसे विग्रवा करेंगे तो नलोप होना चाहिए, वो प्रकृतवा हो गया, न भ्राट रह गया, एक पद बन गया न भ्राट। अर्थ क्या है, अप्रकाश रूप है, जड़ रूपा है, अप्रकाश रूप है, अंधकार रूप है, उसको नभ्राट, मैंने रात्रि का दूसरा नाम है नभ्राट। और दूसरा है पद या नपात, नपात पाद यह शत्रांत है, शत्रि प्रत्यांत है, पाद पद वाला पाद नहीं लेना, इसे कहते शत्रि प्रत्यांत। न पाद इति न पाद, अर्थ पाद धातु दो अर्थ में होता है, रक्षा पापाने है ना, तो क्षत्रिय प्रत्यय में क्या होगा, वो पीते हुए जाते हुए रक्षा करते हुए, ये सब अर्थ हो जाता है। तो वहां पर अर्थ करते हैं फिर न, न पीते हुए न पात, नहीं दूध चाय पानी पीता ही नहीं उसका नपात कहें, रक्षा करता नहीं क्षत्रिय है झोटा ढोंगी उसको भी नपात कह देंगे, संज्ञा परक हो जाता है। न वेदा तीसरा, वेदा इति असुन्नंत, वेदा शब्द क्या है, असुन प्रत्यांत है, वेदस शब्द बनेगा, वेदस असुन में क्या होता है, वेदस प्रथमा ग्रुप है, वेदा वेदा वेदसौ वेदस वेदसम वेदसौ वेदस वेदस ही रहेगा, वेदसा वेदोभ्याम वेदोभी ये रूप चलेंगे उसका। न वेदा इति न वेदा ही रह गया, प्रकृतिभाव हो जाने से नकार का लोपाधिकारी नहीं होगा। यहाँ पे अर्थ जो है जानना है, व्यक्ति इति वेदा न व्यक्ति इति न वेदा अज्ञानी इत्यर्थ, यौगिक अर्थ बता रहा हूँ, रूढ़िअर्थ प्रसंगानुसरण प्रकरणानुसरण नहीं लिया जाता है, ये तो यौगिक अर्थ हो गया। न सत्य इति असत्य, न असत्य इति न सत्य, जो सत्य नहीं है वो असत्य, वहाँ तो नैत मास में नकार का लोप हो गया, न असत्य इति न सत्य बन गया, ऐसा अर्थ क्या है, वास्तव में सत्य है, योगिक अर्थ। इन रूढ़ किस में हो गया, ये अश्विन कुमार के भाइयों में एक भाई का नाम,
दसर और नासत्य दो थे ना, ये दसर और दूसरा है नासत्या के नीचे टीका कोष दिखाएंगे। ये दोनों नाम है, रूढ़ हो गए यहाँ पे। रूढ़ तो हो गया अश्विन का भाई, दो भाइयों में से भाई का नाम अश्विन कुमारों के। और योगी का अर्थ होता है पारमार्थिक सत्यता, जो सत्य नहीं है वो असत्य है, जो असत्य नहीं है वह पारमार्थिक सत्य है। नए द्वय क्या करता है, हमेशा दृढ़ करता है बात को, सत्यता को दृढ़ कर दिया हमने, पारमार्थिक सत्य बोलना अर्थ हो जाएगा। योगी का अर्थ रूढ़ अर्थ व्यक्ति विशेष का नाम हो गया अश्विन कुमार। अश्विन शब्द बनता है, अश्विनी कुमार है, उनको कहा जाता है अश्विनी कुमार न, दोनों को भी अश्विन बोले शब्द है ना, दोनों के लिए अश्विन शत्र हो जाता है। एक का नाम नासत्य, दूसरा दस नासत्य दसरौ, द्विवचन प्रयोग हो जाता है, इसलिए अश्विनौ ऐसे शब्द प्रयोग है दोनों भाई के लिए इकट्ठे। न मुंचती थी न मुची ही, न मुंचती थी न मुची ही। यह सर्वधातुभ्य इन गुणादि का है, इन प्रत्यय हुआ, इकोपधात कित कित होने से लघुपद गुण नहीं हुआ। न मुची थी न मुची रूप, जो न मुंचती, जो मुक्त नहीं करता है, पकड़े रखता है, न मुची। वैसे रूढ़ की शर्त में न मुची बादलों, जो बादल बरसते नहीं है, भागते रहते हैं, उन बादलों का नाम नमुची है, जो पानी को छोड़ते नहीं, पकड़ के रखते हैं, रूढ़ उसमें है। और किसी भी चीज़ को जो पकड़ रखते हैं उसका नाम नमुची हो जाए, कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो सामान्य तौर पर। नकुल न कुलम विद्यते अस्यति नकुल, जिसका जो कुल नहीं होता है वो नकुल, रूढ़ हो गया ये नेवले में पशु विशेष में रूढ़ हो गया। और जब नहीं का लोप हो जाता अकुल भी बनेगा, शिवजी का नाम है अकुल, भगवान का नाम है, जब विष्णु हो शिव जी हो जो भी हो, जो पैदा नहीं हुए माने जाएंगे तत्व ग्रंथ के अनुसार अज, इसे कुल परंपरा तो नहीं रहेगी ना उनको, अकुल महात्मा का नाम रखते इसलिए अकुल आनंद शिवानंद नाम हो गया। न खम अस्ति नखा, न खम अस्य, जिसमें कोई आकाश नहीं है ठोस, उसका नाम नख, रूढ़ हो गया नाखून में। योगी का अर्थ हो गया जिसमें आकाश नहीं, मैंने ठोस हो गया है, पिलर वगैरह ठोस होते हैं, आकाश अंदर है ही नहीं, अवकाश नहीं दे रहे ना आपको आने जाने के लिए, इसलिए आकाश नहीं माना जाएगा। योगी का अर्थ अनेक चीज़ों में चला जाता है, लेकिन रूढ़ हो गया ये नाखून में। न स्त्री न अपमान, एक और नकारिया नहीं है, न स्त्री न अपमान, ये विग्रह वाक्य है, इति नपुंसक, ये रूढ़ हो गया। स्त्री पुंस यह पुंसक भाव, स्त्री और पुंस दोनों शब्द के स्थान पर पुंसक आदेश कर दिया, और दो नई को हटा करके एक न रख दिया, अतएव शब्द बन जाता है निपातनाथ, ये कार्य होने से नकार में न का लोप नहीं हुआ, वो प्रकृति भाव के सूत्र से वर्तमान सूत्र से, तो नपुंसक शब्द बन गया। न क्षरदीति नक्षत्रम, जो क्षरण न होवे, क्षरण दो प्रकार से है, क्षीयते क्षरतेर व क्षत्रम इति निपात्यते, क्षी धातु या क्षर धातु दोनों धातु से बनेगा रूप, वह क्षत्रम निपातन हो गया। क्षी का क्षत्रम कैसे हो जाएगा, तरल प्रत्यय कर तो क्षेत्रम बनेगा, वही का आदेश कर दिया, क्षी के ई को क्षत्रम बना दिया। क्षर में क्या है, त्र प्रत्यय पर में आते हैं धातु के रकार का लोप निपातन से हो गया, क्षत्रम बन जाएगा। क्षत्रम बना करके नए का लोप भी नहीं करो, प्रकृति भाव कर दो वहाँ नए के नकार लोपा भाव, तो नक्षत्रम रूढ़ हो गया ताराओं में। नक्रामदिति नक्रह, चलता नहीं है आदमी आदि के जैसे, चलता नहीं है, चार पर रहता हुआ भी चलता नहीं, रेंगता है, जमीन पे भी चलता है तो रेंग रेंग के चलता है ना। नक्र किसको कहते हैं, मगरमच्छ, मगरमच्छ का नाम नक्र, पानी में भी रहता है और धरती पर भी चलता है, लेकिन दौड़ नहीं सकता बेचारा आदमी आदि अन्य पशुओं के जैसे। नक्रामती इति नक्र, यह भी निपातन से क्रमेर ड कर दो
और न क्रम डाक से क्या हुआ, क्रम धातु के अम लोप हो गया, डिटेर लोप और मिल गया क्र बच गया, न क्र यदि अक्र बनना चाहिए, न क्र हो गया निपाल प्रकृति भाव होने से, न अकम अंत वाला, न अकम अस्मिन विग्रवाक्य जिसमें कोई दुख नहीं है उसका नाम नाकह स्वर्ग। अभी नय के नकार का लोप नहीं हुआ प्रकृति भाव, इन सभी में नय के नकार का लोपाभाव कर दिया, प्रकृति भाव कर दिया, बाकी कहीं कुछ निपात से है, कहीं उणादि प्रत्यांत कहीं कैसा कहीं कैसा प्रकृति। टीका में देखिए नभ्राट सत्सु साधव इति सत्य, ना सत्य में चला गया सीधे, सत्सु साधव इति सत्या तत्र साधु अधिकार में यत प्रत्यग्रु बना सत्या, तत्र साधु इति यत न सत्य इति असत्या, न सत्य इति ना सत्या, यह बहुवचनम अविवक्षितम, यानी आज बहुवचन दिख रहा है वो भी निपातन से प्रयोग होता है अविवक्षित इसलिए, तेना ना सत्या अश्विनौ दस्रौ, ना सत्यौ अश्विनौ दस्रौ इति सिद्धम, ये प्रयोग भी उचित ही है, नित्य बहुवचनांत मान लेते फिर तो प्रयोग गलत है, द्विवचन कैसे प्रयोग कर दिया, और दोनों में द्विवचन प्रयोग कर रहे ना सत्यौ भी उधर दस्रौ भी है, दो ही भाई यहाँ दो वहाँ दो तो चार हो जाएंगे, इन वहाँ विवक्षित नहीं है, न द्विवचन विवक्षित है न बहुवचन विवक्षित है, कि ये संज्ञा है ये ना सत्य और दस दो नाम है। नमुचरिति सरदाद्यपीन युगोपदात कित इति कित्वात् न गुण है, क्षरद है क्षीरियतेर वायति, क्षर संचलन धातु है वादि, क्षी क्षी निवासगत्य हो इत्युदादि काले लेना है, बस इतना ही बोल के समाप्त कर दिए। नगो अप्राणिश्वन्य तरस्याम, नगो अप्राणिश्वन्य तरस्याम, नगो नगः प्रथमा के एक वचन, अप्राणिषु सप्तमी का बहुवचन, अन्य तरस्याम विभक्ति प्रतिरूप गब्बे अथवा सप्तमी के एक वचन भी मान लेते हैं। नग इत्यत्र नये प्रकृत्या वास्यात्, नग ये अलग सूत्र क्यों गिनाया, पुरुष से जोड़ देते, वहां पर नये का प्रकृति नित्य हो रहा था, यहां में नये का प्रकृति भाव विकल्प करना अन्य तरस्याम, इसलिए अलग सूत्र बनाना पड़ा, से नगाह भी बनेगा अगाह भी बनेगा, इबर लोप भी हो जाए न लोपो नया सूत्र से नकार का लोप भी हो जाएगा, तो अगाह नगाह अगाह इनका अप्राणिशु प्राणी अर्थ के अभिमान नहीं होनी चाहिए, इसलिए अर्थ क्या लिख रहे हैं पर्वताः अप्राणिशु किम अगो वृषल शीतेन, अगो वृषल शीतेन ठंडी के कारण से ये वृषल ठिठुर के एकदम लकड़ी जैसे हो गया, चलता फिरता नहीं, बैठ गया किनारे में, न गच्छति इति अग, यहां पर क्या हो गया नित्य ही नकार का लोप हो गया, नित्य ही नकार का लोप हो गया, हाथी के अर्थ में जा रहे नाग हाथी के लिए बोलते हैं, नाग हाथी के लिए बोलते हैं, ये नग पर्वत के लिए है, नग इव इति नाग पर्वत जैसा दिखता है लंबा चौड़ा हाथी, इसलिए उसको नाग कह देते, नग इव अर्थ में आण होकर के नाग बनता है, इसे नागाननाय बोला जाता है, नागमन हाथी, हाथी का मुख है मुख जिसका, वहां भी ऐसे समास नाग से आननम इव आननम यस्य नागानन रूप बनता है, और नाग रूढ़ है वैसे सांपादे में, सांप को भी नागा कहते रूढ़ है नाग देवता, वो भी न गच्छति पद के साथ, हाँ पैर के हिसाब से पद है ना न गच्छति इति नागा। अच्छा अप्राणिशत किम अगो वृषल शीतेना नित्यम क्रीड़ा जीविकयोत्य तो नित्यम इतवर्तमान, इस उसे नित्यम की अनुवृत्ति करेंगे और किस सूत्र में जोड़ा कुगति प्रादय, कुगति प्रादय प्रथमा का बहुवचन है, नित्यम समस्या हो जाएगा, नित्यम का अनुवृत्ति कर दिया इसमें जोड़ देंगे
नित्यम समस्यते नित्यम निक्रीड़ा जीव कयो हो। पहले जा चुके 711 शुरू में ही आया था। एते समर्थे न नित्यम समस्यन्ते कु गति और प्रादि, इनका जो है समर्समंतों के साथ में नित्य ही समास हो जाएगा। कुछ कुत्सिता पुरुषः इति कुपुरुषः, कु केवल नहीं कहा इसलिए अशुपद विग्रह हो जाएगा। केवल कु नहीं कहा विग्रह वाक्य में, कुत्सिता कहा इसलिए अशुपद विग्रह वाक्य हो गया, ये मान लेंगे। कुपुरुषः गतिश्चित अनुवर्तमाने, गति संज्ञा वालों के संबंध के साथ समास के लिए कह रहे, क्योंकि प्राधि अलग ले ही लिया, प्राधि इसी सूत्र में अलग ले चुके हैं। फिर सूत्र से गति का अर्थ क्या लेना, ये प्राधि से भिन्न गति संज्ञा वालों को लेनी पड़ेगी। प्राधि से भिन्न भी गति होते हैं क्या ना, गतिशुद्ध प्राधियों को ही कर रहा है, उससे भिन्न भी है गति संज्ञा वाले, अनेक हैं वो, सब सूत्र लाएंगे। सबसे पहला ला रहे इसे कहते गतिश सूत्र की अनुवृत्ति करके हम और भी गति संज्ञा करने वाले अन्य चीजों के, किनके, ऊर्यादि चुड़ाचश्च, ऊर्यादि चुड़ाचश्च, ऊर्यादि चुड़ाचश्च, ऊर्यादि चुड़ाच प्रथम बहुवचन चव्य दो पद वाला सूत्र है। ऊर्यादि गण है छ्वी या प्रत्यय प्रत्यय ग्रहण डाच प्रत्यय प्रतिग्रहण हो जाएगा। ऊर्यादि गण बड़े शब्दों को गति संज्ञा हो जाएगी, छ्वी प्रत्यांत का गति संज्ञा और डाच प्रत्यांत का भी गति संज्ञा हो जाता है। एते वहां भी क्रियायोग का अनुवृत्ति है, उपसर्ग क्रियायोग से भी अनुवृत्ति आ रहा है। एते क्रियायोग गति संज्ञा हास्यो, इनके जो क्रिया के योग में गति संज्ञा हो जाएगा। ऊरी कृत्य उररी कृत्य इत्यादि कर्ण पठित शब्दों के साथ समास होगा। शुक्ली कृत्य अशुक्लम शुक्लम कृत्य इति शुक्ली कृत्य असे चौसी हो गया, शुक्ल के आकार को शुक्ली बन गया, छ्वी प्रत्यांत है कि नहीं, तो शुक्ली कृत्य। और डच प्रत्यांत दृष्टांत पटपटा कृत्य, पढ़ पढ़ा यदि कृत्वा यदि पटपटा कृत्य, ये सब जगह क्या हो गया, गति संज्ञा हो गया डाच प्रत्यांत का, इसलिए समास हो जाएगा। नित्यम समस्यन्ते कृत्य शब्द के साथ में नित्य समास हो गया इसका। कारिका शब्द से उपसंख्यानम, कारिका शब्द से उपसंख्यानम, वार्तिककार कहते हैं चोरियादि गण में नहीं कहा गया और कारिका शब्द छ्वी प्रत्यंत न डाच प्रत्यंत है, यानी आविष्ट है नित्य समास करना, तो कैसे होगा, वार्तिक कारण से कारिका शब्द को भी कथन करना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए ऊर्यादि गण में। तो कारिका का अर्थ सामान्य अर्थ यहाँ क्रिया है, कारिका मने क्रिया, कारिका कृत्य मने क्रियां कृत्य इत्यर्थ, नित्य समास हो गया ये लाभ है। स्त्रियंतन इस अधिकार में धात्वर्थ निर्देश करने के लिए अनूल प्रत्यय मानो, इसलिए कारिका का अर्थ क्रिया कर दिया गया। यहाँ तक की टीका देखिए, कुगति प्राध्य सीधा कुगति मिलेगी, ऊपर वाले ने भी नगो अप्राणी शनितर श्याम पर कुछ भी कहा नहीं है, वो भी सीधे ही कुगति प्राध्य में चले गए। कुशब्द अत्र अपेयम क्रियते न तो पृथ्वीवाचक, कुशब्द यहाँ अपेय ग्रहण करना पृथ्वी का वाचक नहीं, इसे कु मने पृथ्वी, तम मोदेती थी कुमुदा है कि नहीं, उसको प्रसन्न कर देने वाला कुमुदा चंद्र, तस्यम इति कौमुदी मन चंद्रिका, कौमुदी इव कौमुदी चंद्रिकाओं के समान, या लघु सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी, इतने सब शब्दों में लिया जाता है। ये वो को नहीं लेना है भूल से भी, गत्यादि साहचर्यात, क्योंकि गति का आदि संज्ञाओं का साहचर्य है यहाँ पर, गति और प्राध्य बोला है ना, कु गति प्राध्य, इसलिए यहाँ पर पृथ्वी आदि अर्थ वाला कु को नहीं ले सकते, क्योंकि सब निपात संज्ञा वाले हैं, प्राधि क्या है निपातन वाले अपेय हैं,
गति भी यहाँ जो ले रहे हैं उन सबका अव्यय संज्ञा हो जाएगा, इसीलिए जो है यह कु कोई अव्यय ही लेना पड़ेगा, कि साथ में जो गति है अव्यय है, प्रादि भी अव्यय है, सहचरित सहपठित हो गया ना, अतः कु भी अव्यय लेना है। गत्या साहचर्या ऊर्यादि छुड़ा चश्च उपसर्ग क्रिया योगी अतो अनुवर्तनादाह क्रिया योगी थी छिडा च कृभस्त योग विहित, यद्यपि छ्वी और डाच दोनों ही क्री भू अस तीनों धातु योग विहित है, तत्साचर्याद ऊर्यादि नाम अपनी तत्र संज्ञा, तत्साचर्या जो है ऊर्यादियों को भी क्री भू अस के योग में ही गति संज्ञा समझना, अन्य के योग में गति संज्ञा नहीं होगा इसका। तेन यह न इसे या नहीं हुआ ऊरी पक्त्वा, ऊरी पक्त्वा या नहीं हुआ, गति संज्ञा नहीं है, गति संज्ञा न होने से सूत्र से नित्य समास नहीं होगा। पक्त्वा दिया दृष्टांत, प्रत्युदाहरण दिया ना तत्वबोधिनी में, तेन यह न ऊरी पक्त्वा, टीका में टीका जा रहा हूं ना, माधवादि ग्रंथे तो आभिप्राधु शब्दौ मुक्त्वा अन्येषां करोति नैव योगे गति संज्ञा इति स्थितम्। माधवी धातु वृत्ति कार ने कहा आविस और प्रादुस इन दो अव्ययों को छोड़ के बाकी जितने भी ऊर्यादि गण पटितव्य हैं उन सभी का क्या करना है, करोति का योग में ही गति संज्ञा करना, भू और यस के योग में भी नहीं करना, क्या आविर्भूय प्रयोग होता है प्रादुर्भूत्वा, इसलिए भू और यस के योग में भी आविष और प्रादुष का प्रयोग होता है, गति संज्ञा होगा और रूप बनेंगे उसका, लेकिन उनको दो को छोड़ के गण में पटित सबस्त शब्दों को कह रहे हैं केवल क्री धातु के योग में ही गति संज्ञा होगा और को गति प्रासवित्य समास होगा। और इसके अनुसार उदाहरण भी तथी उदाहरण दी उरी कृत्य थी ये मनोरमा अनुसार इन उत्तम, यह बात मनोरमाकार के अनुसार कह दिया गया है। वसुतस्तु उरी भूय थी भाषोदाहरणात् दिंग मात्रम उदाहरती, वास्तव में उरी भूय करके महाभाषकार प्रयोग कर चुके हैं, इसीलिए भू का योग में भी गति संज्ञा कर नित्य समास करना आवश्यक है, इसलिए समझना जब मनोरमाकार ने एक दिंग मात्र दर्शा दिया उरी कृत्य कह करके, अवतरित तुम है वहाँ बिंदी छिप गया है, ठीक से नहीं छपा और थोड़ा दूर भी होना चाहिए, उरी कृता इति अवतरित्वम युक्तम, ऐसे ही अवतरण देना उचित था। संज्ञा फलम समासस तत्फलंच ल्यप इति बोध्यम, संज्ञा करने का फल क्या है समास करना, समास करने का फल क्या है त्वा को ल्यप, नहीं तो ल्यप नहीं हो सकते ना, जैसे बात है उरी पक्त्वा समास न होने से त्वा को ल्यप नहीं हुआ, वैसे यहाँ भी समास न हो तो ल्यप नहीं होगा, समास में ही ल्यप होता है ना, क्यों सूत्र कौन है लेप करने वाला, समासे अनि पूर्वे वो लेप, ये सूत्र है, ये सूत्र है, तो इसलिए जो है अनि समासे नए समास से भिन्न समास में ही त्वा को लेप करता है, या नए समास कहाँ कर रहे हैं हम लोग, पूरी गति समास किया ना, नए समास प्रकरण खत्म ही कर दिया, अब तो गति समास प्रकरण चल रहा है। उरी और उररी ये तो अंगीकार, ये दोनों अंगीकार अर्थ में है, आवि शब्द से तो साक्षात प्रसिद्ध पाठात क्रियो योगे गति संज्ञा विकल्प, आवि शब्द जो है साक्षात प्रवृत्ति गण में भी पठित है, इसलिए आगे आने वाला है साक्षात प्रवृत्ति नीचे गति संज्ञा करेंगे आप से वहां उसे क्या होगा गति संज्ञा विकल्प हो जाएगा। वास्त योगे तो अनेन नित्यम, इन भू और अस्थि का योग में वर्तमान सूत्र से नित्य हो जाएगा ऐसे समझना। खत्म तरी वारुणी मद विशंकम अथाविश्चक्षुष भवदशा विवराग, ये कैसे हो गया, भू का योग तो आगे आ रहा है ना, आविश्चक्षुषो भवदशौ, अभी व्यवधान हो गया बीच में चक्षुषा इति माघ, माघ ने कैसे कैसे प्रयोग कर दिया इच्छे दत्रा हो, यहां असल में ते प्राग धातु हो इति सूत्रस्य प्रयोग नियमार्थत्व पक्षे प्रकृते अनुपपत्तोपि, यदि आप ते प्राग धातु हो इस सूत्र को प्रयोग का नियमन करने के लिए, माने गति संज्ञा वाले का
उपसर्ग संज्ञा वालों का धातु के पूर्व में ही प्रयोग होता है। ये नियम करने के लिए सूत्र मानोगे फिर तो ये गलत प्रयोग है। माघ प्रामादिक है कि चक्षु शब्द है ना, चक्षु तो धातु नहीं है, द्रव्यवाचक है। आविश्चक्षु हो, आविश्चक्षुषो प्रयोग हुआ है, ये प्रामादिक हो जाएगा, गलत है फिर। इसे प्रकृत स्थल में यदि आप प्रयोग का नियमन करने के लिए मानते हो फिर तो अनुपन्न हो। अभी इन संज्ञा का नियमार्थ पक्ष है, संज्ञा नियमार्थ पक्ष है तो दोष लेशोपि नास्ति, दोष लेश मात्र भी नहीं रहेगा। क्योंकि आविश का हम भू धातु का योग दिखा देंगे, अन्वय तो कहीं भी कर सकता हूं ना, क्रिया के साथ व्यवधान में रहने वाले क्रिया के साथ भी अन्वय हो सकता है। क्रिया का योग मिल गया इसे गत संज्ञा हो जाएगा आविश का। इस संज्ञा का नियम पक्ष करोगे, संज्ञा का नियम क्या है, क्री बोरस के योग में ही इनका गत संज्ञा हो, ऐसा ही नियम करोगे आप फिर तो कोई आपत्ति नहीं। यह धातु का आगे बर दूर में है, उस क्रिया के साथ उसका अन्वय दिखा देंगे, अनुयोग मिल जाएगा, गत संज्ञा हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं रही इनका कहना। शुक्ली करोति कृप वस्त योग संपद कर्तरिच्छी अस्व इति ईकार पटपटा कृत्येति दाची बोलम द्वे भवता इति पटच्छब से द्वित्वम अव्यक्तानुकरणात इति डाची टी लोप, डाची पर टी लोप हो गया। नित्यम मामृत डाची थी तकार प्रकार यो पकार एकादेश स्यात, इसलिए पटपटा बन गया ना, पटत पटत था, पटत के एक तकार पूर्व पटत के तकार और अग्रिम पटत के पकार, इन दोनों से एक पकार ही हो गया, जब पट पटा हो गया, पटपटा बन गया, फिर कृत्य ही है, पटपटा कृत्य समास हो गया। निपा संज्ञा यह समावेशार्थम सूत्र चकार, इसे चकार क्यों कहा आपने, ऊरियादिच्वी डाचश्च, च की क्या जरूरत थी, कहते निपा संज्ञा का भी समावेश करने के लिए। निपा संज्ञा का भी यदि जोड़ भी दोगे तो क्या लाभ है, भाई गति संज्ञा का लाभ ने बता दिया, समास हुआ, समास होने से त्वाकुल्यप हो जाता है, यहाँ क्या लाभ है निपा संज्ञा का। कहता होगा लाभ गतिर अनंतर इति पूर्व प्रक्षकर स्वरे क्रियमाणे निपात प्रयुक्तम आजुदातत्वम भवती, यानी जैसे ऊरी कृतम इत्यत्र तेना ऊरी कृतम, यहाँ पर जो है गतिर अनंतर से पूर्व पद का प्रकृत स्वर प्राप्त था, उसे बाद करके निपात संज्ञा के कारण से क्या होगा आजुदात हो जाएगा, ये लाभ होगा। कार्य के इति भावे भावे पर्यायाहरण इति नुच अकादेश, चित स्वर हो जाएगा लाभ, हाँ लित स्वर के मध्यजात होता है, नुल करेंगे तो नुच करेंगे तो चितो अंतोदात अंतोदात हो जाता है, ये लाभ है। तदा क्रियति क्रिया योग इत्यनेन कारिका शब्द से विशेषणात् श्लोकवाची कारिका शब्द अत्र न गृह्यते इति भावः, क्रिया योग में ये कहा गया ना वर्तमान सूत्र, क्रिया का योग में ये क्या करेगा गति संज्ञा करेगा कारिका शब्द को, ये कहा है, इसीलिए कारिका शब्द यहाँ जो विशेषणात श्लोकवाचिक कारक शब्द को नहीं लिया जाएगा। क्रिया शब्द से अत्र मर्यादा स्थिर अर्थ, क्रिया शब्द का भी अर्थ क्या लेना, एक मर्यादा की व्यवस्था देना है, यत्ने इत्यन्य कुछ लोग कहते कारिका मन यत्ने यत्न अर्थ ले लो, और बालू विकार इतना अंतर करते कारिका में, उस स्त्रियम तीन के अधिकार में धात्वर्थ का निर्देश करने नूल कर रहे हो, नूल प्रत्यय कर दिया, नुच्च नहीं, कारिका करते क्रियां कृत्वा इत्यर्थ है। द्वितीयांत से गति समास एक तो लेप, द्वितीयांत का साथ यहाँ गति समास कर दिया गया और त्वा को लेप हो गए समास होने का लाभ। सुभ्लुक कारिका शब्द न कर्तृवाची, देखो नूल है ना, इन्हें भाव मर कर रहे हैं तो भी कर्तृवाची नहीं है, न श्लोकवाची च, क्यों व्याख्यानात् कर दिया, व्याख्यान सामर्थ्यात् क्रिया सामान्यवाची हो गया। अनुकरण चानिति परम, अनुकरण चानिति परम, अनुकरण प्रथमैक वचनांत है, चापि अनिति परम प्रथमैक वचनांत है। दृष्टांत सीधे सीधे खाट कृत्य
सूत्रार्थ क्या होगा? अनुकरणम गति संज्ञम स्यात्। जो अनुकरणवाचक शब्द है उसे क्या होगा? गति संज्ञा हो जाएगा। कब? जब इति पर में न हो, अनिति परम, अनिति परम वर्जयित्वा, ये अर्थ हो जाएगा। खाट कृत्य, खाट कृत्य इति, खाट इति शब्दं कृत्वा ये अर्थ हो जाएगा। कर देते हैं ना लोग, ऐसे करते हैं, निकालते हैं कफ और थुक कर, उसे होते खाड कृत्य निष्ठीवती, प्रयोग होता है निरष्ठीवत लकार, निष्ठीवती बनते लट लकार में, अष्टीवत लंग लकार प्रयोग कर दिया ना, लट नहीं प्रयोग किया, निरुपसर्ग है अष्टीवत। आगे दृष्टांत देंगे। अनिति परं किम, अनिति पर क्यों का? खाड इति कृत्वा निरष्ठीवत, खाट ऐसे करके उसके बाद उसने थोक दिया, यहाँ पर नहीं हुआ, क्यूति पर में है, समास नहीं हुआ, इसे कृत्य वैसे वैसे रह गया, ये समास होता तो लेप हो जाता। खाट कृत्य, पहले समास करके दिखाया, खाट कृत्य, अखाट इति कृत्वा कह दिया आपने, इति पर हो गया, तो गति संज्ञा नहीं है, समास नहीं है, लेप नहीं होगा। आदर नादर यो सदसती, आदरणादरयोः सदसति, आदरणादरयोः सप्तमी का द्विवचन, सदसति प्रथमा का द्विवचन, इनका आदर अर्थ में सत शब्द का और अनादर अर्थ में असत शब्द का गति संज्ञा हो जाएगा। गति संज्ञा होने से कुगति प्रादेय से समास होगा, अक्त्वा को लब फल होगा, सत्कृत्य असत्कृत्य, सत्कृत्वा इति सत्कृत्य, असत्कृत्वा इति असत्कृत्य, ये बन जाएंगे। इन दो सूत्रों का टीका देखिए। अनुकरणम चा इति ते प्राग्धातोः इत्यस्य संज्ञा नियम पक्षे अनिति व्यर्थम इति मत्वा पृच्छति। ते प्राग्धातोः को संज्ञा का नियमन करने के लिए भी आपने कहा था ना, तब कोई दोष नहीं रहेगा, उस पक्ष को स्वीकार करोगे फिर तो सूत्र में अनिति ग्रहण करना व्यर्थ है। ऐसे यदि आशंका होती है तब का अनिति परम किम दृष्टान दिया। इतरस्तु प्रयोग नियम पक्ष है खाड़ इति अनुकरण से इति शब्दे परे गति संज्ञा निवारणाय अनिति परम इति आवश्यक प्रत्युदारती। और दूसरों के मत में क्या है? प्रयोग नियम पक्ष में खाट इसका अनुकरण करना और इति शब्द के प्रति उसकी गति संज्ञा का निवारण करने के लिए अनिति परम यह कहना आवश्यक है। यह बात के दिखाने के लिए प्रत्युदान दिखा दिया, खाड़ी कृतवा थी। सत्याम संज्ञायाम येष प्रयोग नहीं वस्यात्, ये संज्ञा होता रे प्रयोग ही नहीं हो सकता था, किंतु क्या करते हम? इति खाट कृत्य ऐसा प्रयोग करते, इत्यवस्यात इति भाव। तब पूर्व पक्षी कहेगा भाई इति का पहले कैसे लिख दिया आप, ऐसे कहे होता है खाट इति, ये होता है इति खाट तो नहीं होगा, न चे इति खाट कृत्य इति न भवती, इते परस्य अनुकरणस्य गति संज्ञा निषेधात इति न वाच्यम्। इति से पर में रहने वाला अनुकरण को भी गति संज्ञा का निषेध कर दूंगा। अनिति का अर्थ क्या है? अनिति परम शब्द क्या है सूत्र में? अनिति परम, इते है परम कर दो तब वो क्या? इति से पर में रहने वाले का नहीं होगा, बोल इति परो यस्य, इति इति परम, इति परम है जिसका, भौरी समास किया आपने तो खाट इति आया, तब इति परम है जिसका, खाट की परमिति है, इसे खाट का गति संज्ञा नहीं होगा अनिति परम से। अब पूर्व पक्षी कहते नहीं हम वहां समास ऐसे करें इति परम, इति परम न इति परम, इति से जो परम है उसका गति संज्ञा न हो तो इति से परम खाट इसकी गति संज्ञा नहीं होगी, फिर कृत्वा बनेगा खाट कृत्वा, खाट कृत्य तो बनेगा नहीं, पूर्व में इति रखोगे तब और समस्या। इति नचवाच्यम ऐसा मत कहो, अनिति परम इत्यत्र इति परो यस्मात् अथवा यस्य तत् इति परम, न इति परम अनिति परम इति बहुव्री घटित नै तत्पुरुष आश्रयणात्, बहुव्री गर्भित नै तत्पुरुष माना गया है। सियादेतात् अनुकरणस्य इति शब्द परत्वे क्रियायोगाभावात्, लेकिन समस्या ये होगी अनुकरण से परम इति लोग हैं आपके कहने के अनुसार, आप खाट इति कृत्वा
फिर क्रिया का योग ही नहीं रह गया तो गति संज्ञा वैसे भी प्राप्त नहीं है, अनिति परम करने की क्या जरूरत है, ये आशंका उठा रहे हैं। क्रिया योग बाबत गति संज्ञा नास्ती थी, खाट दी करते थे रूपम निर्बाधम, वो अपने आप रूप बन जाएगा, निषेध करने की जरूरत है नहीं गति संज्ञा की। किम अनिति परग्रहण चेदत्रा हो इति कृत्वा इति समुदाय एव अयम कृत्वा इत्यर्थे वर्तते। वास्तव वहां पर क्या है, इति अलग कृत्वा अलग नहीं है, इति कृत्वा एक पद है समुदाय, और उसका अर्थ क्या है, कृत्वा ही रहेगा, कृत्वा इत्यर्थे वर्तते। तथा इति शब्द क्रिया विशेषक, इसे इति शब्द क्या है, क्रिया का ही विशेषक हो गया। इति तद घटित समुदाय से क्रियावाचकत्वात् तदघटित समुदाय को क्रियावाचक होने से अस्त्यव क्रियायोग, क्रियायोग है भी और इति शब्द पर में भी है, ऐसे स्थान में निषेध करने के लिए अनिति परम कहना अति आवश्यक है।